नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मुकाम न्यूज, मतलब खबरें आपके काम की। आप अगर व्हाट्सएप को लेकर पूरी तरह निश्चिंत हैं कि यह काफी सुरक्षित है, तो यह निश्चिंतता आपके लिए घातक हो सकती है। अभी जो बॉलीवुड ड्रग केस हो रहा है, उसमें एक के बाद एक व्हाट्सएप चैट जो सामने आ रहे हैं, उससे ही आप समझ सकते हैं कि व्हाट्सएप कितना सिक्योर है। कई एक्सपर्ट ने साफ तौर पर कह भी दिया है कि व्हाट्सएप चैटिंग पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। सामने आ रहे निजी मैसेज व्हाट्सएप के उस दावे की सरेआम धजिया उड़ा रहे हैं, जिसमें वो कहता है कि उसके किसी भी यूजर के संदेश को कोई पढ़ ही नहीं सकता, खुद व्हाट्सएप भी नहीं। यानी व्हाट्सएप पर दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत पूरी तरह से एनक्रिप्टेड होने का दावा खोखला साबित हो चुका है। व्हाट्सएप चैट को लेकर 6 प्रमुख बातें हैं जो आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर ये आप गांठ नहीं बांधेंगे तो आपका चैट कभी भी लीक हो सकता है और आपकी प्राइवेट मैसेज किसी दूसरे के पास जा सकता है। इसलिए आपको जो हम बता रहे हैं उस पर जरूर अमल करें। सुरक्षित नहीं होता है चैट का बैकअप। आप एक बात जान लीजिए कि व्हाट्सएप चैट का बैकअप आपके लिए कभी सुरक्षित नहीं है। व्हाट्सएप के अधिकतर यूजर्स अपनी ईमेल आईडी पर अपने व्हाट्सएप चैट का बैकअप लेते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जैसे ही आप व्हाट्सएप चैट का बैकअप लेते हैं तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन खत्म हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप चैट गूगल ड्राइव या आई क्लाउड पर है तो वह एनक्रिप्टेड नहीं है, यानी सुरक्षित नहीं है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, व्हाट्सएप ने अपने ग्राहक को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी है, जिसकी मदद से आप अपने व्हाट्सएप ऐप को 6 अंकों के कोड से सुरक्षित कर सकते हैं। इसका फायदा यह होता है कि जैसे ही कोई एजेंसी या कोई हैकर आपके व्हाट्सएप को क्लोन करने की कोशिश करेगा तो उसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड की जरूरत होगी, जो कि आपके पास है। आप अपने व्हाट्सएप चैट को मेमोरी कार्ड में ले लें। रियोस्टोर के लिए ईमेल, व्हाट्सएप ने अपने ग्राहकों को ईमेल आईडी के जरिए व्हाट्सएप को सुरक्षित रखने की सुविधा दी है, जिसकी मदद से आप अपने व्हाट्सएप को फिर से रियोस्टोर कर सकते हैं। यदि कोई गलत ईमेल आईडी से आपके व्हाट्सएप को रियोस्टोर करना चाहेगा तो वो कभी रियोस्टोर नहीं कर पाएगा। आप चाहें तो अपने व्हाट्सएप चैट को पेन ड्राइव में ले सकते हैं। व्हाट्सएप ने यह भी सुविधा दी है कि आप अपने पूरे चैट को वीडियो फोटो सहित माइक्रो एसडी कार्ड और मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको फोन के फाइल मैसेंजर में जाकर व्हाट्सएप के फोल्डर से कॉपी कर सकते हैं। गूगल ड्राइव से डिलीट कर सकते हैं व्हाट्सएप चैट बैकअप। जी हाँ, यदि आप व्हाट्सएप चैट बैकअप लेने के बाद डिलीट करना चाहते हैं तो यह काम आप आसानी से कर सकते हैं। जीमेल लॉगिन करके गूगल ड्राइव से आप व्हाट्सएप चैट के बैकअप को डिलीट भी कर सकते हैं। अब आते हैं एंड्रॉयड से आईफोन में ट्रांसफर नहीं होगा आपका चैट। यदि आप आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं और चाहते हैं कि एंड्रॉयड फोन पर व्हाट्सएप चैट का बैकअप ले लें तो यह संभव नहीं है। आप एंड्रॉयड फोन से आईफोन में अपने व्हाट्सएप चैट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। हालांकि यह थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का दावा है कि वे ऐसा कर सकते हैं। बहरहाल, अगर आप ये 6 बातें को थोड़े फॉलो करेंगे तो आपका चैट सुरक्षित रह सकता है, अन्यथा अगर आप इसका बैकअप लेते हैं एंड्रॉयड यानी कि गूगल ड्राइव या आई क्लाउड पर, तो आपका चैट कभी भी लीक हो सकता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे।